थे, थोड़ा भी मन नहीं था खाना बनाने का, मेरा तबीयत थोड़ा सा मंदा था और उसमें भी कटहल का सब्जी बनाना था। तो कटहल का सब्जी में टाइम तो लगता ही है, पर मैं इस तरीके से कटहल का सब्जी बनाऊंगी ना, इतना झटपट बनेगा और काफ़ी टेस्टी भी बनेगा। तो हाय दोस्तों, तो देखिए हमने कटहल को 1 घंटे पहले ही काट लिए थे, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाल भी हो गया है और इसे धुलकर साफ़ कर लिए, प्याज भी छील लिए थे, पर सोच रहे थे कैसे बनाऊँ, किस तरीके से बनाऊँ कि इतना जल्दी बन जाए और झटपट बने, स्वादिष्ट भी बने। और इसके साथ हम रायता का भी रेसिपी दूंगी। रायता तो सभी बनाते हैं, हम भी उसी तरीके से बनाएंगे, पर मैं आपको दिखा दूंगी कि आज रात के खाने में क्या क्या मैं बनाऊंगी। तो आप का जब मन नहीं करता है तो क्या अपने घर जल्द झटपट बनाते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो ताकि मुझे भी आइडिया मिले। तो सोचे हैं कि प्याज काट ले, पर फिर मुझे लगा है कि सबसे पहले मैं कुकर ही चढ़ा देती हूँ, एक तरफ बनता रहेगा और एक तरफ तैयारियाँ भी चलती रहेगी, क्योंकि मन तो है नहीं बनाने का और सर में देखिए तेल लगा उगा कर हम रेडी हैं। इतना सर में भी दर्द हो रहा था और मेरा बेटा भी परेशान था, मम्मी जल्दी बनाइए मुझे भी भूख लगा है। तो कुकर चढ़ा दी हूँ, कुकर गर्म हो चुका है, अब हम कुकर में डाल देंगे तेल, सरसों का तेल। कटहल का सब्जी सरसों के तेल में ज़्यादा टेस्टी होता है, तो हम दो टेबल स्पून के जितना हम तेल डाल दिए हैं, उसमें हम डाल देंगे 1 चुटकी हल्दी। और जो कटहल हम काट के रखे थे ना, ये कटहल मेरा 2 दिन पहले का है, तो थोड़ा थोड़ा इसलिए और रेड हो गया है, अगर ताज़ा कटहल हो ना तो और ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो कटहल हमारा काट लिए थे और एकदम से मीडियम साइज़ का था, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो हम ना ही कटहल को उबालेंगे और ना ही अलग से भुनेंगे, एकदम झटपट, और जिसे कटहल बनाने नहीं आता होगा ना वो भी ये सब्जी बना करके रेडी कर सकता है, इतना झटपट बनता है। तो कटहल हम डाल दिए भुनने के लिए, 1 से 2 मिनट तक भुनेंगे, जाते नहीं। और हम उधर क्या करेंगे ना, 4 से 5 हरी मिर्च ले लिए, लहसुन अदरक और 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और थोड़ा सा दालचीनी, इससे ज़्यादा गरम मसाला मेरे पास था भी नहीं। और 2 टमाटर ले लिए हैं, उसका हमें पेस्ट बना लेना है। और प्याज भी हम काट लिए हैं, प्याज 4 काटे हैं। तो ये 1/2 kg के जितना कटहल था तो 2 दिन पहले का था, तो थोड़ा सा कटा हुआ था तो रेड हो गया था, तो और निकाल दिए उसमें से, और जो बचा था वही हम इसमें बना रहे हैं। तो उधर हम पेस्ट बना रहे थे, तब तक मेरा मिक्सी जो है ना, ये जार जो है छोटा है, पानी फेंकने लगा है, पूरे शरीर पे भी पड़ गया है, थोड़ा अपना हरकत दिखाई दिया है। तो उसमें से हम थोड़ा कम कर दिए हैं और इधर कटहल को बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। और आँच को हम मीडियम कर दिए हैं, और आप चाहें ना तो इसमें 1 चुटकी नमक भी डाल सकते हैं, नमक पड़ जाता है ना तो और जल्दी गल जाता है, पर मैं भूल गई थी, नमक नहीं डाली थी। और जो ये पेस्ट बना लिए हैं ना, वो सारे पेस्ट इसी कटहल में हम डाल देंगे। तो जो जैसे कि लहसुन भूनता है तो उसका खुशबू अच्छा आने लगता है, उसी तरीके से हम कटहल, 1 से 2 मिनट हो गया था, उस बीच में हम मसाले रेडी कर लिए थे और हम उसी तेल में और उसी कटहल में ये जो पेस्ट बनाए थे उसे भी डाल देंगे, और थोड़ा सा उसे भी भुनेंगे। तो थोड़ा भुनेंगे ना तो इसका खुशबू अच्छे से आने लगेगा, आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, इतना काफ़ी टेस्टी ये कटहल बना था ना, मुझे खुद ही चकित हो गए थे कि इतना झटपट और इतना टेस्टी कटहल का सब्जी इतना आसानी से बन गया है, तो क्यों ज़्यादा तामझाम करें। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम वो मसाले जो पेस्ट बनाए थे वो भून लिए थे, टमाटर और अदरक लहसुन हरी मिर्च का, और उसी में हम प्याज भी डाल देंगे। तो संग संग सारा चीज़ करेंगे एक साथ में, तभी तो झटपट बनेगा। और थोड़ा सा मिक्सी में लगा हुआ था मसाला, तो उसमें पानी डालकर इसमें हम डाल देंगे ताकि नीचे से जले नहीं, क्योंकि स्टील का कुकर है ना तो जल्दी से जलने का डर होता है। और थोड़ा ऊपर नीचे चला लेंगे, फिर हम इसमें कुछ बेसिक मसाला डालेंगे। बेसिक मसाला में हल्दी पाउडर, काली मिर्च 1 चुटकी और हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा कसूरी मेथी, और इससे ज़्यादा मसाला अभी इस मसालेदानी से हमें नहीं डालना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा डाल देंगे हींग। हींग जो है ना तो डाइजेशन में काम करता है और टेस्ट भी आता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, बस हम इसमें इसलिए डाले हैं ताकि कलर आए, नहीं तो हम हरी मिर्च के यूज किए हैं। अगर आप लाल मिर्च खाना पसंद करते हो तो लाल मिर्च भी आप डाल सकते हैं, तो हरी मिर्च का कम कर दें।
अब हम क्या करेंगे, इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। जैसे एक चम्मच भर के हम नमक डाल दिए हैं तो थोड़ा थोड़ा करके दो बार निकाले थे, अब हम क्या करेंगे इसमें एक चम्मच डाल देंगे चिकन मसाला। और मेरा ये सारे मसाला इसमें परफेक्ट पड़ गया है। अब हम थोड़ा सा इसे भुनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे, हल्का फुल्का भुनेंगे एक मिनट तक। अब हम क्या करेंगे, एक मिनट हो चुका था तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी डालेंगे एकदम ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही मात्रे में, जैसे कि नीचे से जले नहीं उतना ही पानी डालेंगे। मतलब कटहल और प्याज एकदम से डूबना नहीं चाहिए, तभी जाके ये सब्जी टेस्टी बनेगा। तो आपका भी कभी मन ना करे ना तो इस तरीके से कटहल का सब्जी बना करके देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा, आप सारे तरीके भूल जाएंगे, इतना इजी है बनाना और खाने में इतना टेस्टी। मेरे फैमिली को सभी को काफ़ी पसंद आया था, मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कटहल का सब्जी बना है। तो अब हम पानी डाल दिए थे उसमें, ऊपर नीचे मिला दिए थे, और कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 4 से 5 सीटी आने देंगे। तो आपका कटहल अगर एकदम से ताज़ा हो ना तो 2-3-4 सीटी में आपका सब्जी रेडी हो जाएगा। पर मेरा कटहल 2-3 दिन पहले का था तो थोड़ा सा मतलब मसुआ गया बोला जाता है, जो हल्का फुल्का सूख गया था, तो इसलिए हम 5 से 6 सीटी लगाए थे, 6-7 सीटी हमारा इसमें लग गया था। तो बहुत जल्दी जल्दी मेरा कुकर सीटी देता है। उधर आटा भी हम गूंथ लिए हैं, अब हम सीटी लग गया था तो आपको दिखा देते हैं। तो ये क्या हुआ है ना, 6-7 सीटी हमने लगा दी हैं, इसलिए लगाए हैं ताकि कटहल मेरा थोड़ा सा सूखा हुआ था तो गलने में थोड़ा सा टाइम ले रहा था, गल गया था अभी भी, पर हल्का फुल्का बाकी रह गया था। तो अब देखिए मेरा सब्जी का लुक बहुत ही टेस्टी ये सब्जी दिख रहा था। तो ये हम सोचे हैं ना हाथों से तोड़ के दिखाएं, पर इतना गर्म था कि हाथ जल रहा था। अब हम उसे दूसरे चूल्हे पर रख देंगे और स्लो आंच पे, ताकि आराम से वो थोड़ा और भून जाए। तो अभी भून रहा है तब तक हम इधर रोटियां बना लेते हैं। हम रोटी आपको दिखाए हैं पर पराठा भी मेरा बेटा बनवाया था ज़बरदस्ती, तो पराठा बनाते हुए आपको नहीं दिखेगा, पर परोसेंगे ना तो आपको दिखेगा ये थाली जब हम रेडी करेंगे। तो ये देखिए फाइनल मेरा सब्जी कितना टेस्टी दिख रहा है ना, एकदम आसान बनाने में और खाने में भी टेस्टी, और एकदम टाइम भी बच जाता है, बहुत ही झटपट बन गया था। और कलर इस सब्जी का देखिए कितना टेस्टी है। इसमें हम हरी मिर्च का यूज़ किए हैं, ये इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके थोड़े देर के लिए पका लिए थे। अब ये सब्जी मेरा एकदम फाइनल तैयार हो चुका है। आप अगर हरा धनिया बहुत ही ज़्यादा आपको कटहल के सब्जी में पसंद हो तो ऊपर से आप डाल सकते हैं, पर मुझे नहीं अच्छा लगता है ऊपर से डालना कटहल के सब्जी में, तो इसलिए हम नहीं डाले हैं। और उधर मेरा रोटी पराठा भी बन चुका है, सब्जी भी रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इधर खीरे को कद्दूकस कर लेंगे, क्योंकि हम खीरा रायता बनाएंगे। मेरा रायता भी काफ़ी टेस्टी था, तो आप चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दही ले लेंगे, दही को थोड़ा सा फेंट लेंगे और एक कटोरी में डालेंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बनाएंगे, एक कटोरी ही बनाएंगे रायता। और ये खीरा को उसमें डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे, एकदम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, आधा चम्मच से भी कम डालेंगे क्योंकि एक कटोरी है। अब इसमें काला नमक डाल देंगे, काला नमक से ये रायता बहुत अच्छा लगता है, और रात के खाने में रायता डाइजेशन में भी काम करता है तो बहुत ज़रूरी होता है। अब हम इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स, ये चिली फ्लेक्स हम घर पे बनाए हैं, लाल मिर्च को भून दिए थे और उसे पीस लिए थे। अब इसमें हम, अगर आपका दही बहुत खट्टा है तो आप इसमें हल्का फुल्का चीनी भी मिला सकते हैं, पर मेरा दही सही था। तो अब हम क्या करेंगे, खाना लगा लेते हैं, रात का खाना। मेरा बेटा बैठा हुआ, मम्मी जल्दी दीजिए। तो देखिए हम आपको रोटी बनाते हुए दिखाए पर पराठा नहीं दिखाए, तो पराठा हम निकाल लिए और रायता और प्याज और कटहल का सब्जी, क्या मस्त ये डिनर मेरा बन करके रेडी हुआ था। मेरे हिसाब से आप अपने घर क्या डिनर में बनाते हैं तो मुझे भी कमेंट करके बताइएगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। और मेरा बेटा बैठा हुआ था तो हम सब्जी निकाल दिए थे और कम कर दिए थे, और प्याज भी, और उसे दे दिए खाने के लिए, और रायता साइड में रख दिया है। बोला है मम्मी, हम सभी मिलकर रायता को खाएंगे। तो चलिए तब तक के लिए बाय, थैंक यू, मिलते हैं।